प्यारे बच्चों, मैं ज्योति हरिहर विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 4। सामाजिक विज्ञान कक्षा 4 अध्याय 5। आइए देखते हैं अध्याय 5 में क्या है। अध्याय 5 दक्षिण का पठार। अध्याय 5 में है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार क्या है, आइए पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं। पठार भी एक उच्च भूमि होती है। पठार भी एक क्या होती है, पठार भी एक उच्च भूमि होती है, परंतु यह पराय पर्वतों से कम ऊँची होती है। परंतु यह प्रायः पर्वतों से कम, जितना ऊंचा पर्वत होता है उससे कम ऊंची होती है, तथा इसकी ऊपरी भाग लगभग समतल होता है। इसकी ऊपरी भाग जो होता है वो समतल होता है। दक्षिण का पठार भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूस्थल माना जाता है। दक्षिण का पठार जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूस्थल माना जाता है, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी के धरातल के निर्माण के प्रारंभिक वर्ष में हुआ था। दक्षिण का पठार भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण का जो पठार है भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह पठार उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण की ओर संकरा हो गया है। संकरा मतलब पतला होता गया है। अतः इसका आकार त्रिभुज की भांति है। इस पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक है। यह पठारी क्षेत्र तीन ओर, इसकी ऊंचाई की समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक है। यह पठारी क्षेत्र तीन ओर पहाड़ियों से घिरा है। परंतु ये पहाड़ियाँ बहुत ऊँची नहीं हैं। इसे प्रायः द्वीप पठार भी कहा जाता है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट की ओर पहाड़ियों तथा पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियों से घिरा है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की पहाड़ियों से अधिक ऊँची हैं। इनमें सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई एवं इलायची की पहाड़ियाँ मुख्य हैं। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह चोटी केरल राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों के मार्ग में आने के कारण बीच बीच में कटी हुई हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के तीन राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की सीमाओं के बीच स्थित हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र के चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर पश्चिमी भाग, दूसरा है उत्तर पूर्वी भाग। तीसरा है मध्यवर्ती भाग, चौथा है दक्षिणी भाग। फिर से देखते हैं, उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी भाग। चंबल बेतवा एवं केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं तथा यमुना गंगा की सहायक नदी है। उत्तर पश्चिमी भाग यह भाग अरावली की पहाड़ियों से लेकर बेतवा नदी की घाटी तक फैला है। विंध्य पर्वत इसकी दक्षिणी सीमा बनता है। विंध्य पर्वत जो है इसकी दक्षिणी सीमा बनता है बनाता है
चंबल, बेतवा एवं केन इस भाग की प्रमुख नदियां हैं। चंबल, बेतवा एवं केन इस भाग की प्रमुख नदियां हैं। इस भाग में वर्षा कम होती है। चंबल घाटी के जंगलों में अनेक डाकू आश्रय पाते थे। इस पठारी भाग को मालवा का पठार कहते हैं। उत्तर प्रदेश का झांसी जनपद के इसी क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर अन्य प्रमुख नगर हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे। कुछ भाग हम लोग पढ़ चुके, कुछ बाकी है। अगला भाग अगले वीडियो में देखते हैं।